रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको फिजिक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। और लेक्चर्स को ब्रीफली स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। और इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर मर्ज कर दिया जाए तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनती है। और हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इंट्रोड्यूस कर दी, जिसको हम कहते हैं रो। और रो क्या होता है? रो इज़ कार्ल वाट, इसके दो नाम हैं। इसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या है? ओम मीटर है। और हम इसका यूनिट डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमने यहाँ से रो का यूनिट निकालना है तो रो को आप एलिमिनेट कर दें तो क्या आ जाएगा? आर ए बाय एल इज़ इक्वल टू रो। तो आर का यूनिट क्या होता है? ओम। एरिया का क्या यूनिट होता है? मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ का यूनिट मीटर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास ओम मीटर आ जाएगा इज इक्वल टू रो। तो ओम मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज़ 1 मीटर, या 1 मीटर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, ठीक है। मतलब कि एक 1 मीटर लेंथ ऑफ अ सर्टन कंडक्टर, उस 1 मीटर लेंथ में वो कंडक्टर कितनी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये जो एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो पूरे के पूरे कंडक्टर की होती है, ठीक है। सपोज़ हमारे पास, आपने इसमें फ़र्क को अच्छी तरह से याद रखना है। सपोज़ ये हमारे पास पूरा कंडक्टर है, सपोज़ चलें 10 मीटर का, तो इस पूरे कंडक्टर की कितनी ऑपोजिशन ऑफर की है करंट को, कितनी इसकी रेजिस्टेंस थी, उसको हम आर से शो करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी 1 मीटर लेंथ ले लें, उसमें कितनी रेजिस्टेंस ऑफर हुई है उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब है जो रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। और चूंकि रेजिस्टेंस का यूनिट होता है 1 बाय ओम, तो चूंकि डिवीजन में है तो ये ओम इन्वर्स इज़ द यूनिट विल बी कंडक्टेंस। और इसी तरह से अगर हम रेजिस्टिविटी का इन्वर्स ले लें तो हमारे पास कंडक्टिविटी बन जाएगी। और वही जो रेजिस्टिविटी का यूनिट है ओम मीटर, उसका इन्वर्स हमारे पास कंडक्टिविटी का यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिर है इफ़ेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंडक्टर की रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने में या डिक्रीज़ करने में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक कंडक्टर ले लेते हैं और कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, लेकिन फॉर सिंपलिसिटी हम सिर्फ 2 एटम्स कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन चलें हम थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स एक ही चलें ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या होता है कि जब टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज़ होता है ना, मतलब जब आपने एक कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ टाइम तक आप इसे अगर करंट देते जा रहे हैं तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है इट इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इनसाइड द कंडक्टर क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। कौन सी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अगर मैं ये वाले एटम यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो पहले ये कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो पहले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पास होने में इजीली पास हो रहे थे क्योंकि एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इंक्रीज हुआ। तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ से आ रहे हैं उनको इस जगह से पास करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है,
तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब यहाँ से यहाँ पर जब फ्लो करते हैं तो उन्हें ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होती है, तो कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाते हैं ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से, तो हम कहते हैं कि करंट कम हो गया। ठीक है, सो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज होती है जिसकी वजह से करंट कम होता है। ये जो सिनेरियो है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है, कि ये जो सिनेरियो है ये सिर्फ और सिर्फ कौन से मटेरियल्स के लिए है, कंडक्टर्स के लिए है। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि हर मटेरियल के लिए टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो, लाइक जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और करंट इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो कीप दिस इन योर माइंड कि ये जो फैक्ट है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का, ये मटीरियल टू मटीरियल वेरी करता है। कंडक्टर्स के लिए इस तरह का बिहेवियर होता है, सेमी कंडक्टर्स के लिए डिफरेंट तरह का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि हमेशा टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होगी, ये होगी तो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के लिए है, सेमी कंडक्टर्स के लिए डिफरेंट होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है फॉर सेमी कंडक्टर्स। अच्छा जी, अब आर टी सपोज वो रेजिस्टेंस है जो किसी टेम्परेचर पे है। ठीक है, टी इज़ नॉट टाइम हेयर, इट इज़ टेम्परेचर हेयर, मतलब कि आर नॉट वो रेजिस्टेंस थी जो कि स्टार्ट में थी, इनिशियल रेजिस्टेंस, और आफ्टर पासिंग सम टाइम जब टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर टी। और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस या इनिशियल रेजिस्टेंस, एंड इट इज़ आल्सो, ये जो चेंज है इट इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये दो इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली लिखी गई हैं, ये इम्पेरिकल रिलेशंस हैं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो हमारे पास आर नॉट टी बन जाता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा अल्फा, और अल्फा को हम यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो अल्फा का हमारे पास ये एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आपके न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब अल्फा को क्या कहते हैं, अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना, ये सब रेजिस्टेंस हम कहते हैं, तो ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और इसको डिफाइन कैसे कहते हैं, फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, तो ये चेंज इन रेजिस्टेंस है ना और फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस वेयर टी इज़ द टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन। तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड व्हाट, ओहम, और इसका यूनिट क्या होता है, सॉरी, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका यूनिट होता है पर केल्विन। आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं, ये देखें, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस ही है ना, अब डिफरेंस को हम माइनस करके ख़त्म नहीं कर देंगे, अदरवाइज इसका यूनिट ज़ीरो हो जाएगा। तो ऊपर क्या है, ओहम है ऊपर यूनिट, और नीचे यूनिट क्या है, ओहम, और टी का यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो आपस में कट गए तो अल्फा का यूनिट क्या आ गया, पर केल्विन। ठीक है, अब टेम्परेचर के यूनिट्स होते हैं बहुत सारे, डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेनहाइट होता है, लेकिन हम सिर्फ वो यूनिट लेते हैं जो बेसिक है। ठीक है, सो ये भी आपने याद रखना है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट पर केल्विन है। ठीक है, इसी रिलेशन को हम इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और फिर हम इसे कहेंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसे कहेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बहरहाल यूनिट इन दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से जो आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर डिफरेंट मेटल्स वुड बी सेम, बट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर डिफरेंट मेटल्स कैन नॉट बी सेम। ठीक है, मतलब कि पर ऐसा हो सकता है कि एक पर मीटर लेंथ में जो रेजिस्टेंस ऑफर की डिफरेंट तरह के कंडक्टिव मटेरियल्स ने, लाइक एक हमारे पास होगी कंडक्टिव मटेरियल गोल्ड हो गया, एक हमारे पास कंडक्टिव मटेरियल सिल्वर हो गया, एक हमारे पास कंडक्टिव मटेरियल हो गया
कॉपर हो गया, तो इनकी पर मीटर लेंथ में रेजिस्टेंस जो उन्होंने ऑफ़र की वो सेम हो सकती है, लेकिन उनकी टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम नहीं हो सकता। मतलब कॉपर का डिफरेंट होगा और सिल्वर का डिफरेंट होगा, गोल्ड का डिफरेंट होगा, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस की, कि अब टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि तो ये टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसे हम पॉजिटिव लिखते हैं। इसका ये मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, ठीक है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनका टेम्परेचर कोफिशेंट की जो वैल्यू होती है उसके साथ एक नेगेटिव का साइन लगाते हैं, और इसकी नेगेटिव का मतलब ये होता है कि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस ड्रॉप होती है, ठीक है। यही फ़र्क है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये चीज़ MCQs में भी आती है कि टेम्परेचर कोफिशेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, और इस तरह से, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।